नमस्कार दोस्तों, ये प्लान योर ट्रिप का दूसरा एपिसोड है सिक्किम ट्रिप के बारे में। मेरा पिछला वीडियो नॉर्थ सिक्किम के ऊपर था और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईस्ट सिक्किम के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आप जाके देख सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्थ सिक्किम के जैसे ही हम देख लेते हैं ईस्ट सिक्किम का एक बेसिक मैप, जिसे देखकर आप अपने ट्रिप को इजीली प्लान कर सकते हैं। सो इन दिस मैप यू कैन सी अगेन द फोर बेसिक आइकन्स। द फर्स्ट वन इज स्टे, सेकेंड वन इज फ्यूल स्टेशन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर बाइकर्स, थर्ड वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द फोर्थ वन इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर बाइकर्स, दैट इज मैकेनिक। So in this video, I'm gonna share maximum number of questions that comes to your mind before going to East Sikkim. So I will be discussing each and everything regarding the route, fooding, budget and which is the best time to visit East Sikkim. तो ईस्ट सिक्किम जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा गैंगटॉक। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी कि आप सिलीगुड़ी से वाया रंगपो कैसे आप गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सी द डिटेल्स अबाउट द रूट फ्रॉम सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक, द लिंक इज गिवन ओवर हियर। गैंगटॉक में कहाँ रहना है, कैसे कैब बुक करना है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, आप इस लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो आप जिस दिन गैंगटॉक पहुँचते हैं उसके ठीक नेक्स्ट दिन से आपका ट्रिप स्टार्ट होता है। गैंगटॉक से सबसे पहला स्टॉप आता है छांगू लेक, विच इज अराउंड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम गैंगटॉक, विच इज वेरी फेमस फॉर रोप वे एंड स्कीइंग। दोस्तों अगर आप बाइक से जाते हैं छांगू लेक तक गैंगटॉक से, तो याद रखिएगा दोस्तों कि गैंगटॉक से 10 किलोमीटर दूर दो रास्ता डिवाइड होता है, वो दोनों रास्ता ही छांगू लेक तक जाता है। एक है नया रास्ता और एक है पुराना रास्ता। अब दोनों रास्तों में अंतर क्या है? पुराना रास्ता जो है वो थोड़ा सा खराब है, यहाँ पे वाटरफॉल ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, और जो ये नया रास्ता है ये बीएसए वालों ने रिसेंटली बनाया है तो बहुत ही अच्छा रास्ता है। जब मैं पर्सनली बाइक लेके गया था छांगू गैंगटॉक से, तो नया रास्ता न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुआ था और नया रास्ता गूगल मैप में भी इंक्लूडेड नहीं था, तो इसीलिए हम लोग पुराने रास्ते से ही गए थे। फिर छांगू से 12 किलोमीटर दूर आता है सराथंग, जहाँ पे नाथुला पास जाने के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि चाइना वालों के साथ हमारी दोस्ती कैसी है, तो इसीलिए कभी कभार बॉर्डर पे अगर टेंशन हो तो नाथुला पास का रोड कभी कभार बीएसए वाले बंद भी कर देते हैं। सराथंग से नाथुला पास सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पे है और ऑन द वे आपको कोई खाना या स्टे आपको नहीं मिलने वाला है। सराथंग और नाथुला के बीच में सराथंग लेक भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका सीनरी बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों सराथंग से 4 किलोमीटर दूरी पे है बाबा मंदिर। दोस्तों ऐसा बहुत होता है कि ओल्ड बाबा मंदिर और न्यू बाबा मंदिर में काफी टूरिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं बताऊंगा कि ओल्ड बाबा मंदिर कौन सा है और न्यू बाबा मंदिर कौन सा है और दोनों में अंतर क्या है। तो गैंगटॉक से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो बाबा मंदिर आता है वो है न्यू बाबा मंदिर। तो ये न्यू बाबा मंदिर गैंगटॉक से करीबन 57-58 किलोमीटर दूरी पे है, और ओल्ड बाबा मंदिर के बारे में हम इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यू बाबा मंदिर बाबा हरभजन सिंह, जो कि इंडियन आर्मी में थे, उनकी याद में बनाया गया है। तो दोस्तों व्हेनेवर यू जॉइन इंडियन आर्मी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यू आर अ लेजेंड। बट व्हाई बाबा हरभजन सिंह वाज सो स्पेशल, इसके बारे में एक बहुत ही रोमांचक कहानी है और आप जाके गूगल में या यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन जाने से पहले ज़रूर देखिएगा। तो न्यू बाबा मंदिर के सामने एक वाइट जायंट शिव मूर्ति है, आपको 200 मीटर शायद ट्रैक करके जाना होगा, और उसके पीछे से एक वाटरफॉल है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो न्यू बाबा मंदिर से हम आगे चलते हैं। न्यू बाबा मंदिर से 4 किलोमीटर दूर आता है कुपू। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि गैंगटॉक से कुपू के बीच में कहीं भी प्रॉपर स्टे या लॉजिंग का फैसिलिटीज़ नहीं है। तो कुपू से आगे चलते हैं। कुपू से 6 किलोमीटर दूर आता है ओल्ड बाबा मंदिर। तो कुपूप से ओल्ड बाबा मंदिर के बीच में आता है एलिफेंट लेक, जिसका शेप बिल्कुल एलिफेंट जैसा है। तो ओल्ड बाबा मंदिर बेसिकली बाबा हरभजन सिंह जी का बंकर है, इसके अंदर उनके बेड, उनके जूते, उनके ड्रेस सब संभाल के रखा गया है इतने सालों तक। तो ओल्ड बाबा मंदिर से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद आता है नाथंग वैली। नाथंग वैली में आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ होटल्स और होम स्टेज है लेकिन बहुत कम है। तो दोस्तों नॉर्थ सिक्किम का क्या था, नॉर्थ सिक्किम का एक पर्टिकुलर प्लान था कि आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ यहीं पे आपको रुकना है, फिर योमथांग जाता है, फिर गुरुदोंबर जाता है,
तो यहाँ पे ईस्ट सिक्किम में क्या होता है कि आपको जैसे ही दिन ढलने लगता है तो आपको जहाँ मन चाहे, जहाँ आपको होम स्टेज मिले वहीं पे आप रह सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 या 6 बज जाता है कूपूप जाने तक, तो आप कूपूप में भी रुक सकते हैं, या फिर आप नथंग वैली तक रुक सकते हैं, या फिर आप जुलुक तक भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सुबह गैंगटॉक से कितने बजे निकलते हैं और बीच में छांगू में या बाबा मंदिर में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ रास्ते में जाते जाते आप छोटे छोटे विलेजेस के ऊपर से जाएंगे जहाँ पे होम स्टेज काफी ज्यादा है, आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको शायद मिल भी जाएगा। फिर नथंग वैली से 5 किलोमीटर दूर आता है लुंगथुंग। लुंगथुंग में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और वहाँ से वैली, नथंग वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। लुंगथुंग में कई सारा होम स्टेज भी है और यहाँ से शुरू हो जाता है भूलभुलैया रास्ता। तो दोस्तों, अगर आपको वोमिटिंग का टेंडेंसी है तो आप यहाँ पे वोमिटिंग का एक टैबलेट या कुछ भी आपके पास हो तो आप रख सकते हैं, बिकॉज जहाँ से शुरू हो जाता है भूलभुलैया रास्ता। भूलभुलैया रास्ता दरअसल मतलब क्या है कि यहाँ पे इतना टर्न से, आप देख सकते हैं पिक्चर में इतना टर्न से, तो अगर आपको अगर वॉमिटिंग का टेंडेंसी है तो आपको डेफिनेटली वॉमिटिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वॉमिटिंग का टेंडेंसी है तो बेहतर यही होगा कि ये रास्ता आने से पहले आप वॉमिटिंग का कोई भी मेडिसिन ले लें। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता आने से पहले आप ज़्यादा भरपेट खाना मत खाइएगा, क्योंकि इस रास्ते में आपको वॉमिटिंग होने का चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। आइदर आप लंच करते हैं तो थोड़ा सा कम खाइए, या फिर आप ये रास्ता क्रॉस कर जाने के बाद आप जुलुक पहुँच के भी आप अपना लंच कर सकते हैं। फिर लुंगथुंग से 17 किलोमीटर बाद आता है जुलुक। दोस्तों, जुलुक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे होम स्टेज और होटल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो जुलुक का सिल्क रूट बहुत फेमस है और जुलुक का व्यू पॉइंट से ये सिल्क रूट बहुत ही सुंदर लगता है। तो जुलुक में आप एक दिन स्टे कर सकते हैं और वहाँ पे जुलुक देखने के बाद अगर आप नेक्स्ट डे गैंगटॉक वापस आना चाहते हैं तो वो सेम रूट फॉलो करके आपको गैंगटॉक वापस आना है। अगर आप गैंगटॉक से बोर हो चुके हैं और गैंगटॉक वापस नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस है। नॉर्थ सिक्किम में क्या हुआ था कि हम अगर गैंगटॉक से अगर युमथांग या फिर गुरुदोंगबोर की तरफ चलते हैं तो वहाँ से हम लोग सर्किट कंप्लीट करके सिलीगुड़ी नहीं आ सकते, हमको उसी रास्ते से गैंगटॉक होके हमको सिलीगुड़ी आना है। लेकिन ईस्ट सिक्किम में आप ये कर सकते हैं, ईस्ट सिक्किम में आप गैंगटॉक से स्टार्ट करके आप जुलुक होके फिर सिलीगुड़ी आप पहुँच सकते हैं, इससे आपको गैंगटॉक वापस जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो जुलुक से सिलीगुड़ी 140 किलोमीटर है वाया रोंगली एंड रंगपो। तो आप अगर एक दिन में अगर ये डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो इट्स पॉसिबल, यू कैन कवर इट इन 5 to 6 hours। बट इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम विद माउंटेन्स देन देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर यू। जुलुक देखने के बाद आप चाहे तो जा सकते हैं सिलरी गांव। सिलरी गांव इज ओनली 43 किलोमीटर फ्रॉम रोंगली एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल विलेज। सिलरी गांव बेसिकली बंगाल में आ जाता है और यहाँ पे होटल्स और होम स्टेज की कमी बिल्कुल नहीं है। तो सिलरी गांव में आप एक रात स्टे कर सकते हैं, देन नेक्स्ट डे आप सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो सकते हैं। सो नेक्स्ट डे यू कैन कम बैक टू सिलीगुड़ी वाया कालिम्पोंग, रिशभ, लावा एंड नेवरा वैली। सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सिलरी गांव टू सिलीगुड़ी इट्स क्वाइट लॉन्ग, इट्स 127 किलोमीटर्स विच विल टेक अराउंड 7 hours to 8 hours। तो सिलरी गांव से एक शॉर्टकट रास्ता भी है सिलीगुड़ी जाने का, लेकिन आपको नेवरा वैली, लावा, रिशभ एंड कालिम्पोंग आपको स्किप करना है और ये शॉर्टकट रास्ता आपको 92 किलोमीटर में पहुंचा देता है सिलरी गांव टू सिलीगुड़ी। तो इस सिक्किम में ये पॉसिबल है कि आप एक कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करें, लेकिन जो कि नॉर्थ सिक्किम में पॉसिबल नहीं था। सो दिस इज़ द बेसिक मैप ऑफ ईस्ट सिक्किम। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस देन आई जस्ट पुट दिस इन अ लैंडस्केप व्यू। सो अब बात करते हैं कि ईस्ट सिक्किम का प्लानिंग कैसे करें। सो ईस्ट सिक्किम का प्लानिंग बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आप कंपेयर करें नॉर्थ सिक्किम से। तो अगर आप सिर्फ ईस्ट सिक्किम अगर प्लान करते हैं तो बेहतर यही होता है कि आप सिलीगुड़ी से ही कैब बुक करें। दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है कि अगर आप बुकिंग, गाड़ी का बुकिंग अगर सिलीगुड़ी से अगर आप करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि गाड़ी सिक्किम का गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल का या कोई दूसरे स्टेट का अगर गाड़ी हो तो वो गाड़ी को आप सिक्किम का गवर्नमेंट गैंगटॉक से आगे जाने नहीं देते। सो ये रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ 4-व्हीलर के लिए है, ये 2-व्हीलर के लिए रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है। 2-व्हीलर आप वेस्ट बंगाल का या इंडिया के किसी भी पार्ट का 2-व्हीलर हो तो आप लेके जा सकते हैं। सो अगर आप ड्राइवर को अगर गैंगटॉक से बुक करते हैं और बोलते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए और NJP में या सिलीगुड़ी में आपको ड्रॉप करने के लिए बोलते हैं,
तो आपको ड्राइवर को ज़्यादा पे करना है। दिस इज़ बिकॉज कि वो ड्राइवर सिलीगुड़ी से फिर वापस गैंगटॉक जाएगा, तो ये पेमेंट भी आपको चुकाना है। भले वो ड्राइवर पैसेंजर लेके जाए, लेकिन आपको ये पेमेंट देना ही है। और अगर आप गैंगटॉक से कैब बुक करते हैं और जुलुक तक जाते हैं, फिर जुलुक से बैक टू गैंगटॉक करते हैं, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर आप गैंगटॉक से कैब बुक करके सिलड़ी गांव तक आते हैं, तो फिर से अगर आप गैंगटॉक वापस जाते हैं, तो ये आपका डबल खर्चा हो जाएगा, क्योंकि सिलड़ी गांव से सिलीगुड़ी बहुत ही पास है वेल कम्पेयर टू गैंगटॉक। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि सिलीगुड़ी से अगर किसी रनिंग कैब को अगर आप अप्रोच करते हो और सिलीगुड़ी से अगर बुकिंग करते हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ये सर्किट कम्प्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिप क्लॉकवाइज प्लान करना चाहते हैं, तो आपका प्लान कुछ ऐसा होगा। डे वन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक एंड यू आर स्टेइंग इन गैंगटॉक। डे टू यू आर स्टेइंग इन नाथंग वैली और इन जुलुक। डे थ्री यू आर स्टेइंग इन सिलड़ीगांव एंड डे फोर यू आर कमिंग बैक टू सिलीगुड़ी। और अगर आप ये ट्रिप को एंटी क्लॉकवाइज अगर करते हैं, तो सिलीगुड़ी से फिर सिलड़ीगांव, फिर सिलड़ीगांव से फिर नाथंग वैली से बाबा मंदिर छांगू होके आप गैंगटॉक आ सकते हैं। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं, तो आपको सिक्किम का ही गाड़ी लेके जाना होगा और सिक्किम का ही ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो आपको रोंगली का ही चेक पोस्ट पे आपको रोक दिया जाएगा और आपको आगे जाने का परमिशन नहीं मिलेगा। परमिट्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो परमिट्स बन जाता है, परमिट का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर ही आपका परमिट्स बना देता है। तो अब बात करते हैं कि ईस्ट सिक्किम जाने के लिए परफेक्ट सीजन कौन सा है। तो दोस्तों, इफ़ यू विजिट ईस्ट सिक्किम इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको यहाँ अर्ली स्नोफॉल्स देखने को मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन कभी कभार अगर आपका लक खराब हो तो रोड ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन ये रोड बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाता है, बिकॉज दिस रोड इज़ कंट्रोल्ड बाई BSF। तो हो सकता है कि अगर बहुत हेवी स्नोफॉल्स के कारण अगर रोड ब्लॉकेज, बहुत रेयर चांसेस है, अगर वो भी जाए, तो ये रोड बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका ट्रिप डिले हो, लेकिन आपका ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। तो ये ईस्ट सिक्किम का रूट थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है। अगर आप जनवरी एंड फरवरी या मार्च में जाते हैं, तो आपको स्नोफॉल शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्नो ज़रूर मिलेगा। अप्रैल मई तक स्नो बहुत कम हो जाता है, फिर जून जुलाई अगस्त में रेनी सीजन आ जाता है, तो इस टाइम में ईस्ट सिक्किम जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक तक थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन अगर आपका लक अच्छा हो, तो आपको स्नोफॉल ज़रूर मिलेगा। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप गैंगटॉक से जुलुक जाते हैं, वो भी शेयर्ड व्हीकल में, तो आपका बजट क्या होगा। तो सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक और गैंगटॉक से बैक टू सिलीगुड़ी आपका 200 प्लस 200 400 रुपये हो जाएगा। तो फिर आता है गैंगटॉक का स्टे। आप जिस दिन सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंचते हैं, तो उस दिन आपको स्टे करना है, और आप जिस दिन वापस आते हैं जुलुक से, उस दिन भी आपको गैंगटॉक में स्टे करना है। तो दो रात के हिसाब से 750 एंड 750। देन कम्स द व्हीकल कॉस्ट फ्रॉम गैंगटॉक टू जुलुक। It will be around 1800 to 2200 per head for 2 days and one night. Then comes the stay in Zuluk or Nathang Valley. So fooding during the journey from Gangtok to Zuluk and Zuluk to Gangtok, let's assume it 750. And fooding in Gangtok when you return to Gangtok after visiting Zuluk, let's assume it 250. For East Sikkim, you have to make a permit which costs around 800 rupees per head. So total this comes 6700। तो अब बात करते हैं कि अगर आप सिलीगुड़ी से कैब बुक करते हैं और अपने पर्सनल कैब बुक करते हैं जुलुक, सिलड़ीगांव और फिर सिलीगुड़ी में ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, तो व्हीकल का टोटल चार्जेस हो जाता है 24,000 टू 26,000 पर कार फॉर 4 days एंड 3 nights। सो पर हेड के हिसाब से आपका हो जाता है 5,500 रुपये। फिर आता है गैंगटॉक में स्टे, वो अज्यूम कर लेते हैं 750 रुपीज़ for one night on double sharing basis. One lunch, snacks and one dinner in Gangtok, let's assume it 350 rupees. फिर जुलुक में stay, जुलुक में दरअसल room rates 1000 के around है, तो अगर हम double sharing के basis में देखें, तो one night के लिए it will cost around 500 rupees per head. फिर वहाँ पे one breakfast, one lunch and one dinner and snacks, let's assume it 500 again. The next is सिलड़ीगांव stay, which cost around the same as Zuluk stay only, and the सिलड़ीगांव fooding also cost the same. Then comes one breakfast and one lunch, let's assume it 300 rupees per head. So this breakfast and lunch will be when you are coming to Siliguri,
एंड द परमिट इज़ 800 रुपीज़, तो टोटल इट विल कॉस्ट अराउंड 9,700। तो आप बात करते हैं कि अगर आप बाइक रेंट पे लेते हैं गैंगटॉक टू जुलुक, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा। सो द कैब फेयर बिटवीन सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक इट विल बी सेम एज द अर्लियर वन। देन कम्स द गैंगटॉक स्टे विच इज़ फॉर 2 नाइट्स विच इज़ द सेम। देन कम्स लंच स्नैक्स एंड डिनर इन गैंगटॉक। देन कम्स द बाइक रेंट विच इज़ 1,500 पर डे, सो यू हैव टू टेक द बाइक फॉर 2 डेज, दैट मीन्स यू हैव टू पे 3,000 रुपीज़। देन कम्स द पेट्रोल, पेट्रोल विल बी अराउंड 800, मैक्सिमम इट विल बी गोइंग टू 1,000। देन कम्स द जुलुक और नथंग वैली स्टे, और डबल शेयरिंग बेसिस में ये होता है 500 रुपीज़। और फूडिंग ड्यूरिंग द जर्नी, 2 लंच 1 डिनर 2 ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स विच इज़ अराउंड 750 रुपीज़। फूडिंग इन गैंगटॉक, 1 डिनर 1 ब्रेकफास्ट विच विल कॉस्ट अराउंड 250 रुपीज़। देन कम्स द परमिट पर हेड, इट विल कॉस्ट 800, सो टोटल इट कम्स अराउंड 8,350। सो मैक्स टू मैक्स अगर हम पकड़ के चलते हैं कि 9,000 खर्चा होगा, तो आराम से आप ये ट्रिप बाइक में कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द बजट, आप देख सकते हैं। अगर आप ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम अगर दोनों करना चाहते हैं, तो आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो गाइज, इफ यू हैवेंट वॉच द नॉर्थ सिक्किम एपिसोड एंड द नॉर्थ सिक्किम प्लानिंग, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन गो देयर एंड वॉच द नॉर्थ सिक्किम एपिसोड ऑल्सो। तो दोस्तों, एक चीज़ है जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, कि मैं यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ। और जब मैं ये चैनल मैंने खोला था यूट्यूब में, तो उस समय मुझे उतना नॉलेज नहीं था गूगल रैंकिंग और ये SEO इस सब के बारे में। तो मैं बहुत जल्द ये चैनल का नाम जो दीप ब्लॉग बॉय है, ये मैं चेंज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।